गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डिजीजेज ऑफ बनाना। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का स्टार्ट किया है अपन ने, फील्ड क्रॉप का अपना हो गया पूरा। तो अब ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज लगती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपना पहला जो क्रॉप है उसकी बात करते हैं अपन बनाना की। बनाना के अंदर अपने कोर्स के अंदर तीन डिजीज दिए हुए हैं। एक तो दे रखा है पनामा विल्ट, बहुत इजी है, सिंपल है। दूसरा इसमें बंची टॉप, तीसरा इसके अंदर सिगाटोका लीप स्पॉट, सिगाटोका लीप स्पॉट। ये तीन डिजीज है। अपने सबसे पहले बात करते हैं बंची टॉप, सॉरी पनामा विल्ट की, ठीक है। पनामा विल्ट क्यों बोलते हैं? विल्ट तो विल्ट ही है, पनामा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पनामा सिटी के अंदर मिला था, ठीक है। पनामा नहर है, वहाँ पे एक पनामा सिटी है, पनामा सिटी के अंदर मिला था ये, सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसको पनामा विल्ट बोल देते हैं। साइट स्पेसिफिक है इसलिए इसका नाम पनामा विल्ट पड़ गया, ठीक है। इंडिया में भी अभी जहाँ बनाना का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे ये डिजीज देखने को मिलती है, लगभग मिल जाती है बनाना के अंदर ये। तो पनामा विल्ट इसके अंदर देखो सिम्टम में क्या चीज़ होती है, ये जो इसके जो फोटो है इसके अंदर दे रखा है कि क्या चीज़ होती है इसके अंदर सिम्टम्स। होता किससे है विल्ट? किससे होता है? फ्यूजेरियम से। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम से विल्ट होता है। फ्यूजेरियम स्पीसीज आएगा इसका ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशल्स जो होता है FSP लगा के आगे क्या लिखना है इसमें? क्यूबेंस। ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। फ्यूजेरियम विल्ट तो करता ही, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सेम रहेगा, फॉर्मा स्पेशल्स जो लगता है वो लगता है इसमें क्यूबेंस। सिम्टम में क्या होता है? सीधा देखो इसमें सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम जो लीप पे कैसा सिम्टम दिखेगा इसका? सिम्टम में इसके विल्ट जो होती है तो विल्ट के अंदर एक तो होती है येलोविंग। तो इनिशियल जो सिम्टम स्टार्ट होगा ओल्डर लीव्स मतलब जो पुरानी पत्तियां होगी, नीचे के जो पत्तियां होगी प्लांट की वहाँ से इसकी येलोविंग स्टार्ट होगी। येलोविंग स्टार्ट होती है कहाँ से? मार्जिन से किनारे से इसका क्या होगा? पत्ते में पीलापन दिखाई देगा। और कहाँ बढ़ेगा? एक्सटेंड टुवर्ड मिड रिब। मिड रिब की तरफ बढ़ेगा पीलापन जो स्टार्ट होता है मार्जिन से, येलोविंग स्टार्ट होगी और मिड रिब की तरफ बढ़ेगी। तो ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है तो ये पूरी लीव्स की क्या कर देगा? येलोविंग, ठीक है। पहला सिम्टम तो हो गया ये जो ओल्डर लीव्स पे दिखेगा। येलोविंग स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा? येलोविंग एक्सटेंड अपवर्ड, ठीक है। येलोविंग जो होगी वो एक्सटेंड होगी अपवर्ड मतलब ऑन न्यू लीव्स। जो नई पत्तियां स्टार्ट होगी तो उस पे भी क्या होगा? येलोविंग स्टार्ट हो जाएगी। न्यू लीव्स पे भी येलोविंग होगी। ओनली हार्ट लीफ रिमेन ग्रीन। सिर्फ हार्ट लीफ जो इसका, हार्ट लीफ किसको बोलेंगे? जो इसके सेंटर में जो लीफ होगी उसको हार्ट लीफ बोलते हैं। तो हार्ट लीफ जो होगी वो सिर्फ ग्रीन रहती है, इसमें जो बीच का हिस्सा होगा वो आगे सिम्टम में दिखा होगा कहीं, हार्ट लीफ होगा तो हार्ट लीफ रहता है इसके अंदर ग्रीन, बाकी पूरी की पूरी जो पत्ती होती है वो येलोविंग हो जाएगी। उसमें ग्रीन जो पार्ट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? येलो कलर से, ठीक है। तो इसके अंदर येलोविंग स्टार्ट हुआ इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से सिम्टम। येलोविंग होने के बाद में जो येलोविंग हो गया इसके अंदर, येलोविंग के बाद में ये देखो इस प्रकार का सिम्टम ऐसा दिखता है। इसमें क्या होगा बाद में? क्या होगा? जो लीफ जो होती है, लीफ ब्रेक डाउन एंड हैंग along with pseudostem। इसमें क्या होगा? जो पत्तियां होगी वो पत्तियां टूट जाएगी और टूट के और जो स्टेम, जो pseudostem होता है, इसको pseudostem बोलते हैं, जो इसकी कलम होती है उसके साथ किनारे किनारे ऐसे लटकती रहती है, पूरी पत्तियां पीली होके ऐसे लटकती रहती है। और क्या होगा इसके अंदर? विदरिंग सिम्टम दिखेगा इसमें, मुरझान
ठीक है, विदरिंग एंड ब्रिटल ऑफ लीव्स, ठीक है, और श्रेडिंग ऑफ लीफ मार्जिन, पत्तियां होगी वो टूटने लग जाएगी, ऐसे चिथड़े बन जाएगी पत्तियों के। चिथड़े कैसे बनेंगे, देखो ये बीच में से ऐसे फट जाएगी पत्तियां, ठीक है, ये मार्जिन से अपने आप में से इसके किनारे फटने लग जाते हैं। तो ये तो लीफ का सिम्टम हो गया। स्यूडोस्टोम के सारे वो लटकती रहती है, टूट जाएगी पत्तियां और पीलापन दिखाई देगा बीच की पत्तियां। सिर्फ हर्ट लीफ इसके अंदर येलोइंग सॉरी ग्रीन कलर शो करेगी, बाकी पूरा का पूरा प्लांट होगा वो पीला पड़ जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है इसके अंदर, और सिम्टम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, नो बंच फॉर्मेशन। क्या होगा इसके अंदर, नो बंच फॉर्मेशन, फॉर्म इसमें क्या होगा, बंच नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, बंच नहीं बनेंगे। बंच मतलब इसके अंदर जो गुच्छा लगता है केले का वो नहीं बनेगा इसके अंदर। और स्प्लिटिंग ऑफ स्टेम शोज ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर, ब्राउन डिसकलरेशन। स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, स्प्लिटिंग मतलब स्टेम को जब चीर के देखते हैं, जो स्टेम होता है उसको जब चीरते हैं तो चीरने के बाद में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल उसका चीरते हैं तो चीरने के बाद में उसमें क्या होगा, उसके अंदर रिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, या फिर पट्टियां बन जाती है उसके अंदर, किसमें, स्टेम के अंदर। स्यूडो स्टेम होता है उसके अंदर ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर की ऐसे धारियां या फिर उसके अंदर ऐसे रिंग टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो उस वो इसका क्या होता है, टिपिकल इसका डायग्नोस्टिक करेक्टर हो गया इसका डिजीज का, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये येलोइंग शो हो रहा है, मतलब इसके अंदर पैथोजन, जो इसका पैथोजन था वो कहाँ है इसके अंदर, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, जाइलम के अंदर। तो इसीलिए इसके अंदर क्या आ जाता है, विल्टिंग और विदरिंग जैसे सिम्टम आ जाते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा इसका सिम्टम, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूजेरियम जो फंगस होती है उसके अंदर, बताया था मैंने कि दो तीन टाइप के इसमें स्पोर बनते हैं। तो फ्यूजेरियम की अपन बात करें एटियोलॉजी में, तो फंगस क्या बनाती है, ये बनाती है एक तो मैक्रोकोनिडिया, पहले भी पढ़ा है अपन ने कॉटन में मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, और एक टर्म आता है इसके क्लेमाइडोस्पोर। सारे के सारे एसेक्सुअल है, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर। तो क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो सोयल के अंदर बना रहता है। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, इसका इनोकुलम का सोर्स बनता है। क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो कहाँ चला जाता है, सोइल के अंदर। तो ये सोइल बोन डिजीज हो गया, ठीक है, सोइल से इन्फेक्शन आता है इसका। और अब इसके अंदर देखो प्री डिस्पोजिशन की बात करें, इसमें प्री डिस्पोजिशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होता है इसके लिए टेम्परेचर तो होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे वार्म कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती है, ठीक है, पानी की कमी, ठीक है, ड्राई कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती है, मॉइस्चर कम होता है उतना ही ये ज़्यादा फैलता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और क्या होती है, इसमें एसिडिक सोइल होना इसके लिए फेवरेबल होता है। एसिडिक सोइल होना इसके लिए फेवरेबल होता है, मतलब जो अम्लीय मृदा होगी उसके अंदर पनामा विल्ट का चांस ज़्यादा होगा। और पुअर ड्रेन्ड सोइल भी इसका, पुअर ड्रेन्ड मतलब पानी का भराव रहना एक प्रकार से। वैसे ड्राई कंडीशन में क्या होता है इसका, देखो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है। और अटैक के टाइम में जब इन्फेक्शन के लिए होता है वो क्या होता है, इसके अंदर लगातार पानी का रुका रहना, पुअर ड्रेन कंडीशन, नमी ज़्यादा रहना, उस टाइम में इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है इसके लिए, निमेटोड का अटैक, ठीक है, निमेटोड का अटैक, निमेटोड का अटैक रहता है अगर सोइल के अंदर निमेटोड रहता है तो निमेटोड इसके क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको इन्फेक्शन में हेल्प करता है। तो ये इसके प्री डिस्पोजिशन के फैक्टर आ जाते हैं, मतलब अनुकूलता, डिजीज होने से पहले जो पूर्व अनुकूलता होती है उसकी बात करें तो अपन ये कंडीशन होती है उसके लिए। अब इसमें बात करें डिजीज साइकिल की, तो डिजीज साइकिल इसका क्या होगा, डिजीज साइकिल प्राइमरी इनोकुलम, देखो इसमें क्या होगा, प्राइमरी इनोकुलम तो हो गया इसमें सोइल बोर्न इनोकुलम, ठीक है, सोइल बोर्न डिजीज हो गया। दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, इन्फेक्टेड
सकर्स, इन्फेक्टेड सकर्स। सकर्स क्या होता है? इसका प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है, मतलब प्रवर्धन का एक प्रकार, प्रवर्धन के लिए इसको मल्टीप्लीकेशन यानी कि क्रॉप के अपने बीज का नाम ले तो बीज के रूप में अपन देखते हैं तो क्या होता है इसमें सकर्स होता है, और सकर्स ही इसको सोविंग में काम लेते हैं तो सकर्स ही लगाते हैं। तो सकर्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो इसका प्राइमरी इनोकुलम हो जाता है। सेकेंडरी में देखो, नो सेकेंडरी इन्फेक्शन, नो सेकेंडरी इन्फेक्शन वर फाउंड। देखो इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा इसके अंदर, क्यों नहीं होगा? सोइल बोर्न डिजीज है, जिस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन रहता है उसी प्लांट के अंदर इसके चांस रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर फील्ड क्रॉप की बात करें, अपन इरीगेशन देते हैं तो इरीगेशन में फ्लडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, तो फ्लडिंग करते हैं तो उसमें जैसे इनोकुलम या फंगस का कोई भी पार्ट होगा, इन्फेक्टेड पार्ट होगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा थ्रू वाटर। अपन जो हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप होती है उसके अंदर क्या करते हैं, अपन रिंग बनाते हैं, रिंग के अंदर अपने प्लांट्स होते हैं, तो वो लिमिटेड जोन के अंदर ही रहता है, तो वो आगे फैलने के चांसेस उसमें सोइल बोर्न डिजीज के केस में आगे फैलने के चांस कम हो जाते हैं। क्यों? और इसके अंदर स्पेसिंग भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पेसिंग की वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता प्लांट, तो इस वजह से नो सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन होता है सोइल बोर्न हो गया, सकर्स में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्ट हो गया, उसी में ये सिम्टम शो करेगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सोइल बोर्न डिजीज हो गया, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? सोइल के अंदर जो प्लांट डेब्रिज या क्लेमाइडोस्पोर, सोइल के अंदर क्या होते हैं फंगस के? क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, और वो इसको इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, और उसी से प्लांट का जो पार्ट होगा वो डेड होकर पूरा का पूरा वापस सोइल के अंदर चला जाता है, तो वो इसका डिजीज साइकिल हो जाएगा। मैनेजमेंट की अपन इसकी बात करें, इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, इसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं पनामा विल्ट के बारे में। तो मैनेजमेंट, इसके अंदर एक चीज होता है मैनेजमेंट में, देखो इसके अंदर विल्ट मैनेजमेंट के लिए फंजीसाइड के अपन, एक तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट के जितने भी अफेक्टेड प्लांट जितने भी होते हैं उसको वहाँ से रिमूव कर देने चाहिए, अफेक्टेड प्लांट को रिमूव कर देना चाहिए, और अवॉइड पुअर ड्रेन्ड सोइल, अवॉइड पुअर ड्रेन्ड सोइल टू ग्रोइंग बनाना। बनाना ग्रो करने के लिए पुअर ड्रेन्ड और एसिडिक जो सोइल होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, एसिडिक सोइल का अगर अपन ट्रीटमेंट करना चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एप्लीकेशन ऑफ लाइम, एप्लीकेशन ऑफ लाइम, चूने का अगर अपन सोइल के अंदर एप्लीकेशन कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिक कंडीशन को कम कर देगा, और उसमें क्या होगा, थोड़ा पीएच उसका बढ़ जाएगा, तो उस वजह से इसके डिजीज के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी का नाम आता है इसके अंदर, रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट वेराइटी, रेजिस्टेंट वेराइटीज में क्या आता है, इसमें दो नाम आते हैं इसके अंदर, एक तो पुवन और कवेंडिस, ये इसके रेजिस्टेंट सोर्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंट कल्टीवार होते हैं जो इसमें काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं इसके अंदर, कॉर्न इंजेक्शन, ठीक है, कॉर्न इंजेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि कॉर्न इंजेक्शन जो मेथड होता है वो कौन सी डिजीज कंट्रोल के लिए करते हैं, तो पनामा विल्ट में करते हैं। किसका? कार्बेंडाजिम का। किसका करते हैं कॉर्न इंजेक्शन? कार्बेंडाजिम 0.2% का इसमें कॉर्न इंजेक्शन करते हैं, मतलब स्टेम के अंदर इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट कार्बेंडाजिम या केमिकल को, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। सोइल ट्रीटमेंट करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा बायोजेंट भी यूज कर सकते हैं, जो कि फ्यूजेरियम के अगेंस्ट में हेल्पफुल होती है, ठीक है। सोइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं किससे? वेपाम, सोइल ड्रेंचिंग विद, सोइल ड्रेंचिंग विद, सोइल ड्रेंचिंग विद वेपाम। वेपाम क्या होता है? एक सल्फर ग्रुप का फंजीसाइड होता है, सल्फर का फंजीसाइड होता है, और वेपाम का क्या होता है, ये फ्यूमिगेंट की तरह काम करता है, धूमक भी होता है ये, ठीक है। इसका परसेंटेज होता है वेपाम का इसमें 8.5 ग्राम पर लीटर की डोज से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या लेंगे अपन, वायरुलेंट जो रेस होता है उसकी स्प्रेडिंग, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो सीड डिजीज फ्री जो सकर्स होते हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। यूज डिजीज
फ्री सकर्स, ठीक है, फ्री सकर्स या फिर प्लांटिंग मटेरियल, क्यों जो इसका सकर्स होता है उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको या तो ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट से अच्छा यही होता है कि क्वारंटाइन अपनाना चाहिए, प्लांट क्वारंटाइन को फॉलो करना चाहिए। ये जो सकर्स होते हैं इसको अफेक्टेड फील्ड जो होता है उस वाले भाग से कभी भी बनाना के सकर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसका एक रेस होता है, रेस फोर, ज़्यादा ऐसे ऐसे बता देता हूँ मैं, रेस फोर इसका फ्यूजेरियम का जो होता है रेस फोर, मतलब स्पीसीज़ के अंदर ये इसका एक पैथोजन है, ग्रुप है, एक जीनस, ये सॉरी एक इंडिविजुअल की बात करें तो रेस फोर होता है, एक स्ट्रेन हो गया एक प्रकार से, तो वो क्या होता है ज़्यादा डैमेज करता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए किसके थ्रू, थ्रू क्वारंटीन, क्वारंटीन करना चाहिए, प्लांट क्वारंटाइन को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मैनेजमेंट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की, तो वो है अपनी बंचीटॉप। बंचीटॉप डिजीज किससे होती है, वायरस। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक वेक्टर का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्वारंटीन लागू किया गया है इसके प्रति, ठीक, इसके अगेंस्ट में बंचीटॉप के लिए घरेलू पादप संगरोध लागू किया गया है। मतलब बनाना का बंचीटॉप डिजीज के लिए क्या करते हैं, बनाना का जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर बंचीटॉप वायरस का इन्फेक्शन की वजह से, ताकि पूरे के पूरे फील्ड बर्बाद नहीं हो, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्वारंटीन लागू किया गया है बंचीटॉप ऑफ बनाना के लिए, ठीक है। इसके लिए वेक्टर है, वेक्टर का नाम आता है इसके अंदर एफिड, अगर एफिड सीधा लिखो तो भी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर इसका साइंटिफिक नाम लिखो तो क्या लिखोगे, पेंटालोनिया निग्रोन नर्वोसा, ये इसका एफिड जो होता है एक वेक्टर होता है डिजीज को फैलाने वाला, ठीक है। और ये किससे फैलता है, बंचीटॉप सकर से फैलता है, यानी कि प्लांटिंग मटेरियल से फैलता है। तो ये सकर से फैलने वाली डिजीज, एफिड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज, इसके लिए डोमेस्टिक क्वारंटीन लागू होता है और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है बंचीटॉप वायरस। सिम्टम की अपन बात करें तो सिम्टम में देखो वायरल डिजीज है, सिंपल सी बात है, प्लांट की येलोविंग, प्लांट क्या करेगा, येलोविंग शो करेगा, ठीक है, प्लांट शो येलोविंग, ठीक है, प्लांट येलोविंग शो करेगा, एंटायर जो प्लांट होगा ऊपर से पूरा का पूरा पीला पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें क्या होगा, प्लांट का जो साइज होता है, प्लांट स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब प्लांट क्या होगा, बोना रह जाएगा, साइज में छोटा रह जाएगा, और इसकी जो लीव्स होती है, ठीक है, माल फॉर्मेशन हो जाता है एक प्रकार से, माल फॉर्मेशन मतलब इसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, माल फॉर्म हो जाना मतलब स्टंटिंग हो गया, येलोविंग हो गया। इसके बाद अपन देखें इसमें ये इस प्रकार से ऐसे फ्रूट का सिम्टम दे रखा है, इसमें देखो लीफ पे, और क्या होगा, लीफ जो होगी इरेक्ट ब्राइटल नैरो लीव्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, इरेक्ट ब्राइटल और नैरो लीव्स डेवलपमेंट, ठीक है, नैरो लीव्स डेवलप, जो पत्तियां होगी वो क्या होगी, और विद स्मॉल वेंस या फिर मिड रिब जिसको बोलते हैं, जो पत्ता होगा, पत्ती के अंदर क्या होगी, जो इसकी मिड रिब जो मध्य सिरा होती है उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इसमें सिम्टम और लिखे तो स्मॉल लीव्स, ठीक है, स्मॉल लीव्स, पत्तियां का आकार क्या हो गया, साइज हो गया छोटा, स्मॉल लीव्स होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, ब्राइटल होगी, टूटी फूटी होगी, नैरो पतली हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, वेंस का साइज छोटा हो जाएगा, तो छोटी रहने की वजह से ये पूरा का पूरा प्लांट होगा वो क्या होगा,
बंच टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा, पूरा का पूरा प्लांट होगा। स्टंटिंग अपीयरिंग की वजह से प्लांट पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऐसे बंच बना देगा, गुच्छा बन जाएगा, ऊपर से पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, लीव्स की जो क्या होगी, इसमें जो पत्ती का जो रिब होती है, रिब या फिर लीव्स पे क्या होगा, लाइट ग्रीन पत्ती होगी, उस पर लाइट ग्रीन एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पत्ती होगी, पत्ती पे सॉरी लाइटनिंग लीव्स हो जाएगी और जो एरिया जो होगा वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्क ग्रीन, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होगा, डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो इसकी लेमिना जो होता है, लेमिना क्या होता है, जो प्लांट पत्ता जो होता है, पत्ता का जो पूरा इसे जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लेमिना। लेमिना जो होती है उसके ऊपर क्या होगा, ग्रीन पार्ट यानी कि ज़्यादा गहरा हरा रंग का पार्ट डेवलप हो जाएगा। उसकी भी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जो मिड रिब होती है, उसके पास में इसमें क्या होगा, जे हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसमें जे हुक लाइक डार्क ग्रीन एरिया डेवलप ऑन लेमिना। लेमिना जो लीफ होगी, सीधा सीधा बात करें तो पत्ती पे क्या होगा, ऐसे हुक लाइक जे टाइप का ऐसे हुक बन जाएगा, इससे डार्क ग्रीन एरिया डेवलप हो जाएगा पत्ती पे, और ग्रीन इसमें ग्रीन और लाइट दो टाइप के ऐसे लाइट और डार्क ग्रीन ऐसा कलर वेरिएशन हो जाएगा पत्ती पे। ठीक है, तो ये पत्ती पे दिखने वाला सिम्टम क्या होगा, पत्ती का साइज छोटा हो जाएगा, बुशी अपीयरेंस स्टंटिंग हो जाएगी और इसमें येलोविंग हो जाती है। ठीक है, येलोविंग होने की वजह से पूरा का पूरा जो प्लांट होगा येलोविंग शो करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, देखो ये जो इस पे दिख रहा है, ये जो पिक्चर के अंदर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होगा, फ्रूट वाले हिस्से पे क्या होगा, एक तो क्या होगा, बंच का साइज भी छोटा हो जाएगा और बंच बनेंगे भी नहीं। पहली बात तो ये कि नो बंच फॉर्मेशन, अपन इसमें लिखें तो नो बंच फॉर्मेशन, इसमें बंच नहीं बनेंगे, नो बंच फॉर्मेशन। और इसमें क्या होगा, जो सकर्स होते हैं इसके अंदर, स्मॉल सकर्स क्या बनेंगे, इसमें सकर्स जो होंगे स्मॉल हो जाएंगे, या फिर सकर्स साइज रिड्यूस्ड। सकर्स जो होते हैं, सकर्स क्या होते हैं इसके अंदर, इसको बूस तरीका बोलते हैं, जैसे हिंदी में शायद इसको बूस तरीका बोलते हैं, जैसे ये प्लांट होता है तो इसके साइड में क्या होता है, इसे छोटे छोटे ऐसे इससे निकले रहते हैं, ऐसे सकर्स, इनको सकर्स बोलते हैं। तो इनका साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा, जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है वो अपने आप में साइज़ में कम हो जाएगा। जो फ्रूट होंगे, नो बंच फॉर्मेशन हो गया, सकर्स का साइज़ कम हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, जो फ्रूट होगा, जो फ्रूट बनेगा, फ्रूट का क्या होगा, फ्रूट साइज़ रिड्यूस, फ्रूट का साइज़ भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, फ्रूट का साइज़ भी कम हो जाएगा। तो ये इसके मेन सिम्टम होते हैं बंची टॉप के, तो ये इम्पोर्टेंट है, बंची टॉप ऑफ बनाना भी इसको याद करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिजीज साइकिल या फिर प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर की बात करें तो वायरल डिजीज, तो वही कंडीशन होती है, जो विल्ट वाला जो कंडीशन होता है वो भी इसके लिए क्या होता है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इसके लिए मेन जो फैक्टर काम करेगा वो क्या करेगा, वेक्टर वाला, वेक्टर के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो इसकी डिजीज़ को बढ़ाती है। और प्री डिस्पोजिशन में अपन बात करें तो इन्फेक्टेड सकर्स की बात कर लेते हैं अपन। इन्फेक्टेड जो सकर्स होता है, इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल होता है, वो इसका एक प्री डिस्पोज का काम करेगा, और एसिडिक सॉइल भी, एसिडिक सॉइल फेवर करती है, और इल ड्रेंड सॉइल इसको फेवर करती है। ठीक है, इल ड्रेंड सॉइल जिसमें ड्रेनेज पुअर होता है, ठीक है, इल ड्रेंड सॉइल, तो ये इसके कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिजीज जो ट्रांसमिट होगी, इसका डिजीज ट्रांसमिशन हो रहा है एफिड से, और प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है इसमें सकर से, इन्फेक्टेड
सकर से इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब प्लांटिंग मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल है, प्रोपोगेटिंग मटेरियल जो होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, डिजीज ट्रांसमिट किससे हो रही है, पेंटालोनिया निग्रोनोवायरसा, ठीक है, एफिड की वजह से इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है। तो डिजीज साइकिल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसके अंदर प्राइमरी इनोकुलम लिखना है, तो वो इसमें अफेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल, और दूसरा एफिड इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इसके बाद अपन इसमें बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या हो गया, एक चीज़ तो अपन लिखेंगे तो सीधा सीधा, एक तो वेक्टर कंट्रोल ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। क्वारंटाइन मेजर अपन लाना चाहिए। क्वारंटाइन मेजर का मतलब कि अपने इन्फेक्टेड मटेरियल का यूज़ नहीं करना है, और जहाँ भी इन्फेक्शन के चांस होते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उस फील्ड से कोई भी प्लांटिंग मटेरियल अपन नहीं लेके आएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा रहता है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड यूज हेल्दी सकर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड एक चीज़ तो ये हो गया कि अपने फील्ड के अंदर जो भी इन्फेक्शन है तो उस पार्ट को हटा दो, उस जो फील्ड के अंदर जो भी अपना प्लांट है उस फील्ड में सॉरी उस प्लांट में इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्टेड प्लांट को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एफिड कंट्रोल करते हैं, तो एफिड का कंट्रोल करना है तो एफिड कंट्रोल किससे करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। इंसेक्टिसाइड एफिड कंट्रोल के लिए क्या करते हैं अपन, फॉस्फोमिडोन, एसीफेट, तो इस टाइप के केमिकल अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने वेक्टर कंट्रोल ज़रूरी होता है, वेक्टर मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें नहीं होगा, तो ये इसके डिजीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद अपने नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसकी बात करते हैं, तो नेक्स्ट डिजीज़ अपने आती है सिगाटोका लीप स्पॉट। ये दो टाइप से होती है, देखो सिगाटोका लीप स्पॉट है, दो टाइप के लीप स्पॉट धब्बे बनते हैं, बनाना की जो लीफ होती है देखा भी होगा तुम लोगों ने, पिक्चर में और बता देता हूँ मैं इसको। सिगाटोका लीफ स्पॉट कोजल ऑर्गेनिज्म होता है इसका, माइकोस्पेरेला इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, कोजल ऑर्गेनिज्म को, माइकोस्पेरेला म्यूजिकोला, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें दो टाइप के सिम्टम होते हैं, एक तो होता है येलो, दूसरा होता है ब्लैक। सिंपल सा होता है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, टिपिकल कुछ नहीं है। सिगाटोका लीप स्पॉट, इम्पोर्टेंट ये है कि सिगाटोका लीप स्पॉट ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय माइकोस्पेरेला म्यूजिकोला, या फिर कॉज्ड बाय फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और माइकोस्पेरेला कौन सी है, वही जो ग्राउंड नट की अपन टिक्का के अंदर बात कर रहे थे, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा की परफेक्ट स्टेज मैंने क्या बताया था, माइकोस्पेरेला, तो वही माइकोस्पेरेला और सर्कोस्पोरा उसी टाइप का कोनिडिया बनता है इसके अंदर, जैसा सर्कोस्पोरा में बनता है उसी टाइप का माइकोस्पेरेला में कोनिडिया बनता है, ठीक है। अब इसमें अपन सिम्टम की बात करें, तो सिम्टम में देखो इसमें क्या होता है, सिगाटोका लीफ स्पॉट में ये देखो इस प्रकार का सिम्टम दिखता है इसमें। इसमें क्या होगा, इनिशियल जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, ग्रीन और येलो कलर्ड स्पॉट्स डेवलप ऑन लीव्स, जो पत्तियां होगी उस पर क्या होगा, स्मॉल स्पॉट बनेंगे, कैसे, ग्रीन कलर के या फिर येलो कलर के, विद, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं सब कुछ इसमें, विद डार्क ब्राउन मार्जिन, विद डार्क ब्राउन मार्जिन एंड सराउंडेड बाय स्पॉट, सराउंडेड बाय येलो हेलो, पीले घेरे से घिरा रहता है, जैसे टिक्का में भी पीला घेरा बनता है तो इसमें भी पीला घेरा बनेगा। येलो हेलो बनने की वजह से, पीला घेरा बनने की वजह से एंटायर लीव्स शो येलोविंग, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेलो, ड्यू टू हेलो फॉर्मेशन
एंटायर लीव्स शो येलोविंग, पूरी जो पत्ती होगी वो पीलापन शो करेगी जो घेरा बनता है उस वजह से, ठीक है। ब्राउन मार्जिन देखो, इसमें ब्राउन मार्जिन बन रहा है, और इसका जो स्पोर्ट्स सेंटर जो होगा, स्पोर्ट्स सेंटर इसी में ऐड कर लेना, डार्क ब्राउन मार्जिन सराउंडेड बाय येलो हेलो एंड ग्रे सेंटर, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है, ग्रे कलर का सेंटर हो जाएगा। अंदर से जो इसका हिस्सा देखते हैं तो वो ग्रे दिखेगा, इसे हल्का स्लेटी रंग का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये स्पोर्ट इसे डेवलप होंगे लेटर ऑन, बाद में क्या होगा देखो, इसमें लेटर ऑन स्पोर्ट्स एक्सटेंड्स, जो स्पोर्ट्स होंगे वो फैल जाएंगे, ठीक है। एंड फोरम स्टिक्स इस पर क्या होगा, धारियां बना देगा, इसकी लंबाई में से धारियां बना देगा, जैसे ये पूरे के पूरे जो स्पोर्ट्स होंगे वो अपने आप में फैल जाएंगे और या फिर आपस में मिक्स हो जाएंगे। फैलने और मिक्स होने के बाद में क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो पत्ती होगी उस पर धारियां बना देंगे। तो धारियां बनाने की वजह से क्या होगा, लीव्स शो ब्राउन और ब्लैक कलर अपीयरेंस, ठीक है। लीव्स जो ड्राई हो जाएगी या फिर ड्राई होने के बाद में क्या होगा, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की अपीयरेंस शो करेगी। और इसके अंदर जो बनाना जो होगा, बनाना के ऊपर भी क्या होगा, ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाएगी, जो इसमें जो अपने फ्रूट बनेगा तो फ्रूट में भी क्या होगा, ब्लैकनिंग या फिर ब्लैक कलर की अपीयरेंस हो जाएगी, उसका जो स्किन होगा उस पर काले काले रंग के धब्बे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, जो येलो वाला होता है ये साइज में बड़ा होता है, मतलब येलो जो स्पॉट बनेंगे वो साइज में बड़े होंगे और ज़्यादा कवर करता है इसको। और ब्लैक कलर और येलो में इतना ही डिफरेंस है कि ब्लैक जो लीप स्पॉट बनेगा तो उसमें क्या होगा, जो स्पॉट होंगे वो ब्लैक कलर के बनेंगे और वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, ब्लैक जो स्पॉट बनेंगे वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर फैल के ऐसे पूरी पत्ती को क्या करेंगे, ब्लैकनिंग, ठीक है। ब्लैक जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ब्लैक का मतलब कि ब्लैक स्पॉट, अगर ब्लैक सिगाटोका हो रहा है और येलो सिगाटोका हो रहा है, ब्लैक सिगाटोका हो रहा है तो ब्लैक कलर की अपीयरेंस होगी और पूरी लीफ को क्या कर देंगे, ब्लैक कलर में परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार से इसमें स्पॉट बनेंगे ऐसे, अगर ब्लैक की बात करें तो ऐसे धब्बे बनने स्टार्ट होंगे, उसमें ब्लैक कलर के ऐसे स्पॉट्स बनेंगे। अंदर से सेंटर इसका ग्रे कलर का होगा, मार्जिन वो इसमें डार्क कलर की मार्जिन होगी, लेटर स्टेज में स्पॉट्स आपस में मर्ज होके या फिर एक्सटेंड होके फैल के और एक स्टिक्स बना देंगे, पूरी पट्टी या धारी का निर्माण कर देंगे। तो उस वजह से पूरी पत्ती की क्या हो जाएगी, एक प्रकार से ब्लाइटनिंग यानी कि झुलसा यानी कि जलने जैसा ऐसा सिम्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये सिगाटोका लीफ स्पॉट का सिम्टम होता है। और इसमें जो बंच होगा, बंच पे भी क्या होंगे, ब्लैक कलर के ऐसे जो बनाना बनेंगे उस पर भी क्या बनेंगे, ब्लैक कलर के या फिर ब्राउन येलो कलर के ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाएंगे। तो ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, एक चीज़ प्री डिस्पोजिशन की बात करें तो इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल कंडीशन दे रखा है, टेम्परेचर चाहिए इसको। और वही इसके वार्म और रेनी सीजन, ठीक है, ह्यूमिड वेदर जितना होगा, रेनी सीजन या फिर ह्यूमिड वेदर, रेनी वेदर और ह्यूमिड कंडीशन, ज़्यादा नमी या आर्द्रता की वजह से ह्यूमिड कंडीशन इसके लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। और पुअर ड्रेन्ड सोइल भी इसका फेवरेबल कंडीशन होता है, पुअर ड्रेन्ड सोइल, ठीक है, ये इसका प्री डिस्पोजिशन हो जाता है। डिजीज साइकिल की अपन बात करें तो डिजीज साइकिल में इसमें क्या बनता है, देखो पैथोजन होता है, पैथोजन के अंदर क्या चीज़ बनती है, इसके अंदर एक तो बनते हैं इसमें कोनिडिया, ठीक है, दूसरा बनता है इसके अंदर एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर जब बन गया तो ये इसका क्या हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स हो जाएगा, प्राइमरी इनोकुलम बोलें तो वो क्या हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन कौन करेगा, एस्कोस्पोर। और प्राइमरी इनोकुलम क्या हो गया, इन्फेक्टेड जो प्लांट डेब्रीज होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं जो सोइल के अंदर पड़े रहते हैं, वो इसका प्राइमरी इनोकुलम हो गया। और उसमें क्या बनता है, एस्कोस्पोर। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण क्या हो गया, एक तो डेंस प्लांटिंग करते हैं, अगर
डेंस प्लांटिंग कुछ ऐसे वेराइटियाँ होती है जो इसकी प्लांटिंग अपन क्लोज स्पेसिंग वाली जो होती है डेंस प्लांटिंग, अगर ज़्यादा प्लांट अपने पास पास में है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है थ्रो एस्कोस्पोर, एयरबोर्न हो सकता है, ठीक है, एयर हवा के साथ में उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है, तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैनेजमेंट की बात करें अपन, ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में डिजीज जो लीव्स होगी डिजीज प्लांट पार्ट को रिमूव करना है, ठीक है, रिमूविंग ऑफ डिजीज प्लांट पार्ट्स, ठीक है। और करते हैं इसमें गुड ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड या गुड ड्रेन्ड सोइल होना चाहिए। जो प्री डिस्पोजिशन होता है उसका उल्टा उसका मैनेजमेंट होता है, जो प्री डिस्पोजिशन जो कंडीशन फेवर करती है उसकी अपोजिट जो कंडीशन होती है वो क्या करती है, इसको डिजीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। डेंस प्लांटेशन को रोकना चाहिए, ठीक है, एवॉइड डेंस प्लांटेशन, एवॉइड डेंस प्लांटेशन। एक चीज याद रखना इसमें, अपने को क्रॉप रोटेशन नहीं लिखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं डिजीज को सोचते समझते हैं नहीं, अगर फ्रूट क्रॉप का अपने एग्जाम में मैनेजमेंट पूछ ले तो मैनेजमेंट में ये वाला पॉइंट कभी मत लिखना कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये पेरेनियल क्रॉप्स होती है, जो फील्ड क्रॉप होती है उसका तो अपन क्रॉप रोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। और उनका जैसे मैंगो जैसी क्रॉप है तो इनमें कोई सीड ट्रीटमेंट वाला ऐसे पॉइंट नहीं लिखना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, तो क्रॉप रोटेशन नहीं ले सकते इसके अंदर, ठीक है। स्प्रे करते हैं इसके अंदर बोर्डो मिक्सर का, स्प्रे ऑफ बोर्डो मिक्सर, बोर्डो मिक्सर, ठीक है, बोर्डो मिक्सर का स्प्रे करते हैं 5-5-50 का 1% लेते हैं, ठीक है, 5-5-50 का मिश्रण होता है, 5-5-50 का 1% सॉल्यूशन लेते हैं इसका, कितना 1% सॉल्यूशन प्लस 20% लिनसीड ऑयल, अलसी का तेल, ठीक है, ये मिक्स करके इसमें स्प्रे करते हैं। 5-5-50 का मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट और चूना होता है ना, 5% को 5 भाग कॉपर सल्फेट, 5 चूना और 50 भाग पानी, इतना घोल बना के उसमें से 1% सॉल्यूशन लेना और उसमें साथ में मिलाना है 20% लिनसीड ऑयल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं और मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं इसके अंदर, स्प्रे ऑफ कार्बेंडाजिम 0.1% और मैंकोजेब, जो सरकोस्पोरा कंट्रोल करता है वो ये डिजीज कंट्रोल करेगा, ठीक है। मैंकोजेब 0.25% का इसमें पर्णीय छिड़काव या फिर फोलियर स्प्रे कर देते हैं तो ये डिजीज कंट्रोल में लाभदायक होता है। इसके अलावा न्यू ग्रुप के अपन बात करें तो नए फंजीसाइड होते हैं तो वो टॉपसिन एम भी इसके हेल्पफुल होता है और एक है टिल्ट, तो इनका भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। टिल्ट का दे रखा है 0.2% और इसका 0.1%, ये 0.2%, इनका पर्णीय छिड़काव करने से डिजीज कंट्रोल होती है। तो ये बनाना के अपने आज पूरा कंप्लीट हो गया तीनों डिजीज, कुछ समझ में नहीं आया किसी को दोबारा कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करके मेरे को बता देना, बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे गुआवा क्रॉप, थैंक यू।